पत्नी को उसके मृतदेह के साथ चितारोहण करना चाहिए, फिर क्या हो गया हमारी बुद्धि को देखिए। हम आचार्य जी को बता रहे हैं कहां क्या लिखा है। माफ कीजिए आचार्य जी, आप बहुत ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता तो यहां खड़े अज्ञान और अनजान लोगों को है। तो पत्नी के चिता पर पति के बगल में लेटने के बाद शव को अग्निदान करने वाला व्यक्ति मृतक से कहेगा कि मर्त्य, ये स्त्री जो आपकी धर्मपत्नी है, भावी काल में आपके साथ संयुक्त होने के लिए शव के समीप लेटी है और सदैव पतिव्रता स्त्री के पुराण धर्म का पालन करती आई है, इसलिए इसे इहलोक में रहने की अनुमति प्रदान करें। ऐसे ही संबोधित करने के लिए कहा है ना आचार्य जी, कहीं हम गलत कह रहे हैं तो टोक दीजिएगा। आप सभी के लिए जान लेना बहुत आवश्यक है इसके बाद हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। मृतक का छोटा भाई अथवा उसका शिष्य या उसके किसी सेवक या दास को चीता की ओर बढ़कर चीता पर लेटी उस विधवा स्त्री का बाया हाथ पकड़कर उसे चीता से नीचे उतारना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे स्त्री उठ, तू निष्प्राण देह के साथ लेटी है, उठकर पुनः जीवलोक में आ और अपने मृत पति को त्याग कर उस व्यक्ति से विवाह कर जो तेरा पाणी ग्रहण करे और तुझसे विवाह करने का इच्छुक हो। अश्वलायन गृह सूत्र और बोधायन धर्म सूत्र में यही लिखा है ना आचार्य जी। आपका मान आपकी स्वीकृति है, मतलब हमने शास्त्रों से जो उदाहरण दिया वो सही था। अब तो आप समझ गए कि नहीं, हमारे वेदों ग्रंथों के अनुसार पति का मृतदेह अग्नि को समर्पित करने के पहले ही यानी पति के अंतिम संस्कार के पहले ही पत्नी को पुनर्विवाह करने की सामाजिक अनुमति दी जाती है। अनुमति क्या, प्रार्थना की जाती है उससे, विनती की जाती है कि वो पुनर्विवाह करे। इस संस्कार का अर्थ यही है, विधवा स्त्री को भी अपना शेष जीवन सुख से व्यतीत करने का पूरा अधिकार है। इतने वर्षों बाद ही सही रेणु का पाणी ग्रहण कर उससे विवाह के लिए इच्छुक है परीक्षित। तो अहिल्या ने यह मौका हमें एक बार दिया था,
बरसों पहले, तब भी इसी समाज को बड़ी मुश्किल से राजी किया था हमने इस बात पर कि स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और आज तीनों के विवाह के रूप में हमें दूसरा मौका मिला है, विधवाओं को पुनर्विवाह करके सुखी घर संसार बसाने का अधिकार देकर। अब क्या इस कदम से समाज में परिवर्तन आ जाएगा, इतिहास बदल जाएगा, ये हम नहीं कह सकते। परिवर्तन इतना आसान नहीं है गंगूबा, और इतनी जल्दी भी नहीं होता। अहिल्या के बाद कोई दूसरी लड़की आई सामने शिक्षा प्राप्त करने के लिए? नहीं, किसी परिवार ने खुद अपनी बेटी के लिए कदम उठाया? नहीं। हो सकता है उसी तरह से रेणु के विवाह के बाद कोई विधवा अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयारी ना हो, पर राजधर्म कहता है हमें अपनी प्रजा को उसका उचित अधिकार देना ही चाहिए। सरकार, आपने अभी सही कहा, समाज में परिवर्तन आते बहुत देर लग जाती है, लेकिन असंतोष और बगावत जंगल में लगी आग की तरह फैलते समय नहीं लगता। बिल्कुल, और इसी बात का तो डर है, चिंता है। रेनू और परीक्षित को साथ देखकर लोगों ने उन्हें पत्थरों से मारकर जान लेने की सोच ली। खंडेराव को चोट आई, सही समय पर खंडेराव वहां था इसलिए, वरना अहिल्या भीड़ के गुस्से का शिकार हो जाते। और अब आप रेनू और परीक्षित की शादी वाड़े में कराना चाहते हैं। सोचिए जरा, हमारे पूरे परिवार पर प्रजा का आक्रोश बरस सकता है, सभी धर्मपीठ हमारा बहिष्कार कर सकते हैं। पुजारी जी ने तो पहले ही मंदिर में पूजा करने से मना कर दिया है, अब और क्या क्या होगा, ये सब हम कैसे? जो होगा हम सब संभाल लेंगे रानी साहब, पर हमारा निर्णय अटल है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.